अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय वेब डेवलपमेंट सेशन। दिस सेशन इज़ मेनली इन उर्दू लैंग्वेज, बट यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज। सो आई विल कंटिन्यू फर्दर सेशन इन उर्दू लैंग्वेज। तो लास्ट टाइम हम एग्जाम्पल इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे, जो सीएसएस में सेलेक्टर्स हम पढ़ रहे थे। अगर आप पिछली वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो मैं हूँ आमिर शहजाद और मेरे साथ हैं अहमद भाई और जिशान साहब। तो एक्सरसाइज हम रीड करते हैं जी। चेंज द कलर ऑफ ऑल एलिमेंट्स विद क्लास कलर टेक्स्ट टू रेड। चेंज द कलर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स विद क्लास। अच्छा, एक तो क्लास का नाम इन्होंने बता दिया हमें खुद ही। तो जैसे कि याद हो, क्लास बनाने का बहुत आसान तरीका था कि उससे पहले डॉट लगा देना है, फिर जो भी नाम है वो हमने लिख दिया, फिर इसकी ये ब्रैकेट्स होती हैं, तो ये इसकी बॉडी का एरिया डिफाइन करती हैं। और कलर ये कह रहे हैं जी टेक्स्ट कलर रेड कर देना है, तो वो फिर हम सिर्फ कलर के नाम से प्रॉपर्टी है, और ये हमारा प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, ये प्रॉपर्टीज़ का सेंटेक्स यही है, तो हमने ये किया। लेकिन ये इसी तरह नहीं चलेगी, क्योंकि इसको अभी हम करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये क्लास हमने बनाई है, क्लास को फिर इस्तेमाल भी करना है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है चेंज द कलर ऑफ ऑल एलिमेंट्स विद क्लास कलर टेक्स्ट, तो ये फिर हमें सब जगह पे ये क्लास इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बल्कि यहाँ पे ये इस्तेमाल हुई भी है और यहाँ पे हमें लिखनी होगी। तो हम ये करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, इधर भी करनी पड़ेगी हमें और ऊपर भी करनी पड़ेगी। लास्ट एक्सरसाइज पे चेंज द कलर ऑफ ऑल पैराग्राफ एंड एच वन एलिमेंट्स टू रेड, ग्रुप द सेलेक्टर टू मिनिमाइज कोड। तो ग्रुप करने का हमने देखा था कि कामा लगा के हम ग्रुप करते हैं, जिस तरह इन्होंने पैराग्राफ का कहा है पी कामा एच वन, और इसकी फिर हमने बॉडी बनाई भी। टास्क वही है कि टेक्स्ट जो है कलर रेड, और लेकिन क्लास क्लास तो नहीं है, ये तो टेक्स्ट लेटर्स हैं, तो ये तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और यहाँ पे अभी ये चेंज सिर्फ करवा रहे हैं पी और एच वन के, यानी एच टू हेडिंग, फिर ये इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो इसको हम देखते हैं, ये सही हो गया। तो एक्सरसाइजेस करने से यही है, आपको अपनी गलतियों का पता लगता है, कोड देखने समझने में आसानी होती है। अगर आपसे नहीं होती एक्सरसाइज तो समझ आपको आ जानी चाहिए कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है, या आपने जो पढ़ा है वो चीज़ सही तरह नहीं पढ़ी है। तो आईडी जो सिलेक्टर है उसके शुरू में ये चैनल साइन होता है, और क्लास के शुरू में डॉट होता है, और फिर हमने ये भी किया था टैग सिलेक्टर यूज़ किया था, उसमें टैग डायरेक्ट लिखते थे, और हमने ये भी किया था कि डॉट ये क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह ये है पी डॉट इंट्रो, स्टैग का भी हमने इस्तेमाल किया था, ये एलिमेंट वाला अकेला हम कर चुके हैं, और ये ग्रुपिंग वाला भी हम देख चुके हैं, ये कॉमल गा के कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। अच्छा जी, इसमें आप देखें जो सी एस एस ऐड करने के हमारे पास तरीके हैं वो हम देखते हैं। अभी तक हमने जो इस्तेमाल किया वो हमने ये वाला तरीका इस्तेमाल कर किया है, इंटरनल सी एस एस। इसमें ये होता है हमारे जो हेड सेक्शन है उसमें, या किसी भी जगह आप वो कोड लिख सकते हैं, स्टाइल का टैग लगाया और उसके अंदर कोड लिख दिया। तो एक्सटर्नल में हमारे पास लिंक का एक टैग होता है, और इसका हम सेंटेक्स देखते हैं, और
इसमें हम रिलेशन मेंशन करते हैं कि ये लिंक जो है ये किस चीज़ का है, ये स्टाइल शीट है, और यहाँ पे एचरेफ में उसका मतलब एचरेफ से मुराद ये हाइपर रेफरेंस उसका क्या है, उसकी लोकेशन, ये फाइल पड़ी हुई किधर है, और ये जो फाइल है इसको भी हम खोल के देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है इसको यूज़ करने का कि एक्सटर्नल CSS इस्तेमाल की जाए। अब ये फाइल जो है इसका कोड क्या है हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हमने इसका कोड खोल के देखना है, यहाँ पे शायद इन्होंने मेंशन भी किया हुआ हो, ये मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर हम ये फाइल एक्चुअली खोल, क्योंकि ये CSS फाइल है ना, तो इसको आप ब्राउज़र में खोल के चेक भी कर सकते हैं इसका कोड। तो पहला तो काम ये है कि जो आपने URL खोला हुआ है इसको नई टैब में खोलें, और जो ये फाइल का नाम जिस तरह ये आ रहा है tryit.asp, ये असल फाइल का नाम है और आगे ये क्यूरी स्ट्रिंग है, इसको रिमूव करें। यानी फोल्डर आपका ये CSS का है, और यहाँ पे देखिए कोई पाथ वगैरह साथ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ फाइल का नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसी CSS के फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी हुई है। तो इसको यहीं पे पेस्ट करें नाम, तो ये इसका कोड आ जाना चाहिए। तो जिस तरह यहाँ पे भी इन्होंने कोड भी दिखाया हुआ है, यही कोड है। तो इसमें हम देख सकते हैं कोड में, देखें अब इसमें इन्होंने एक बॉडी का टैग सिलेक्टर यूज़ किया है, बैकग्राउंड कलर इसको लाइट ब्लू दिया है, H1 को कलर ग्रे दिया है। अब ये मार्जिन वगैरह हम पढ़ेंगे, मार्जिन पैडिंग आगे, तो थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि ये हेडिंग थोड़ी सी आगे है, वो फिर इसी वजह से है, ये मार्जिन लेफ्ट इन्होंने हमें इसको 20 पिक्सल का दिया है। तो ये इसका मेथड है, लिंक का टैग है, ये इसका हम रिलेशनशिप बताते हैं कि ये स्टाइल शीट है, और रेफरेंस में उसका पाथ दे देते हैं। अभी तो ये उसी फोल्डर में थी इसीलिए हमें कुछ और नहीं निकला पड़ा, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ, यानी कि जो मौजूदा जो फाइल है उसके रेफरेंस से हमने, जब उसी फोल्डर के अंदर ही है तो हमने सिर्फ सिंपली नाम लिख दिया है। तो अगर ये किसी सब फोल्डर के अंदर होती, हो सकता है हमने ये CSS का सब फोल्डर बनाया होता, फिर इस तरह हम लिखते, लेकिन अभी क्योंकि जो केस है वो इस तरह नहीं है। फिर दूसरा तरीका ये है कि आप उसका फुल पाथ दें, एब्सोल्यूट पाथ, तो दोनों तरह से हो सकता है। एब्सोल्यूट पाथ अब इसका ये है, इसको हम कॉपी कर लें और इसको यहाँ पे दे दें, ठीक है, ये चल गए। ये फिर इसमें आ गया कि ये फुल पाथ को एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं, और जो रिलेटिव पाथ होता है करंट फोल्डर के रेफरेंस से, तो वो अमूमन वो वाला रिलेटिव ही इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटेंशन CSS होनी चाहिए, HTML टैग कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट CSS का कोड होता है इस तरह के, यहाँ पे डायरेक्ट कोई ऊपर टैग नहीं है, डायरेक्ट आपकी CSS के सिलेक्टर्स और उसकी बॉडी, फिर अंदर प्रॉपर्टीज। अच्छा, कॉलन के बाद स्पेस भी नहीं देनी, वैसे जनरली ये चल जाता है। इसकी स्पेस की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे स्पेस नहीं देनी, ये वैल्यूज जो है इकट्ठी लिखी जाती है। अच्छा, इसमें हम जो यूज़ करते रहे पीछे, जो ये
इंटरनल सी एस एस ही है, तो इसको तो फिर एक्सप्लेन करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यही करते रहे हैं अभी तक। इसमें सिंपली ये होता है टैग, ये स्टाइल का टैग हम यूज़ करते हैं और कोड इसमें लिख देते हैं। और जो भी एक चीज़ नई है वो है इनलाइन सी एस एस। उसमें यह है कि आपके पास ये स्टाइल के नाम से एट्रीब्यूट है, ये किसी भी टैग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टाइल के नाम से एट्रीब्यूट। और फिर इसके इक्वल लिख के आगे वही वैल्यूज़ के पेयर हैं, जिस तरह ये एक प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर है फिर दूसरा सो ऑन, ये सारी एक लाइन में लिखते हैं। लेकिन ये बाज़ू का आपका टेम्प्रेरी कुछ चीज़ करनी होती है तो आपको मजबूरन इस तरह करना पड़ जाता है, ये रिकमेंड नहीं किया जाता। क्योंकि ये अगर आप करें तो ये फिर आपका कंटेंट और प्रेजेंटेशन का जो कोड है वो सारा मिक्सअप हो जाता है, तो उसका जो स्टाइल शीट इस्तेमाल करने का जो एडवांटेज है वही हम मरकज़ी उसके उससे हट जाते हैं। अच्छा, इसमें एक देखें एक इशू एक आ जाता है कि मल्टीपल अगर स्टाइल्स लगे हुए हैं एक ही चीज़ के ऊपर, जिस तरह एक एक्सटर्नल शीट है उसमें H1 का ये हमने कलर दिया है और एक इंटरनल स्टाइल शीट है उसके अंदर भी हमने कलर दिया है, तो फिर क्या होगा? तो इसमें हम देखें कि इस फाइल को भी अगर हम खोल लेते हैं, जैसे हमने वो दूसरी फाइल को खोला है, क्योंकि इसके कोड का हमें पता होगा तो फिर हम उसको समझ सकेंगे। H1 को देखिए यहाँ पे ऑरेंज दिया है और यहाँ पे हमने H1 को नेवी दिया है। तो ये हम देख रहे हैं कि इसने किया क्या है कि ये वाला जो हमने यानी दोनों को सेम दे दिया ना, तो इसमें आपस में कन्फ्लिक्ट आ गया ना, कन्फ्लिक्ट आ गया। तो इसमें अब हो रहा है कि जो इंटरनल CSS का कोड है ये अप्लाई हो रहा है। H1 ये देखें, ये H1 है, ये हम यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं। बॉडी में बस दो ही चीज़ें, ये एक H1 है और ये पैराग्राफ है। तो इसके ऊपर जो हमने यहाँ पे ये अप्लाई किया है ये ऑरेंज कलर आ रहा है और ये वाला कलर, ये H1 कलर नेवी, ये कलर नहीं आया। और अलबत्ता एक चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पे हमने ये मार्जिन लेफ्ट नहीं दिया हुआ इस जगह पे, लेकिन उधर हमने मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसने इस चीज़ को डिस्कार्ड किया है, इसको इस्तेमाल नहीं किया है, इसने यहाँ पे इंटरनल जो CSS लिखी हुई है कलर की इसको इस्तेमाल किया है, लेकिन इस चीज़ को उसने स्किप नहीं किया है, इसको अप्लाई किया है वहाँ पे। ये देखिए यहाँ से पता लग रहा है स्पेस की वजह से। तो ये हो रहा है ये कि इसको हम जो कैस्केडिंग बोलते हैं ना, कैस्केडिंग स्टाइल, स्टाइल्स अब लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ स्टाइल इधर लिखा हुआ है H1 का, कुछ उधर लिखा हुआ है, इन दोनों को मर्ज करके वो अप्लाई कर रहा है। इसीलिए इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बोलते हैं। लेकिन इसने जो चीज़ें आपस में कन्फ्लिक्ट हो रही थी उसको सॉल्व किया है। तो ये सॉल्व इस तरह करते हैं कि जो अमूमी मतलब इसका एक रूल है कि जो जितना करीब लिखा होता है टेक्स्ट CSS की स्टाइल वो उसकी उतनी वेटेज ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे इसी इंटरनल CSS में लिखी हुई है और जबकि ये एक्सटर्नल है तो ये दूर है, तो ये बिल्कुल करीब है, तो इसको ये ज़्यादा वेटेज देगा। तो यहाँ पे मेन ये चीज़ समझाने की इसमें कोशिश की है इन्होंने कि एक ये बाहर वाली फाइल है उसके अंदर सेम वैल्यू, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किया वैल्यू अलग है और सेम सिलेक्टर है, सेम प्रॉपर्टी है, वैल्यू यहाँ पे अलग है, तो इसको उन्होंने तरजीह दिया जो करीब है। ये एक जनरल रूल है, ये हम देखते हैं फिर आगे इसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो चीज़ नोट करने वाली थी वो यही थी। और हाउवर इफ़ द इंटरनल स्टाइल इज़ डिफाइंड बिफोर द लिंक टू एक्सटेंड द H1 एलिमेंट विल बी नेवी। तो अब देखें, अब उसका अपोजिट हुआ है। तो ये जो लिंक का टैग है ये बेसिकली कर रहा क्या होता है कि आपका
कोड जो भी उसमें स्टाइल शीट के अंदर है वो यहाँ पे पेस्ट कर रहा है यहाँ पे एक लिहाज से। तो उस लिहाज से हम देखें तो जो ये वाला स्टाइल है इसको मैं एक बार फिर खोलता हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट उन्होंने दिया ये दूसरी एग्जांपल में ना, कि जो कोड करीब है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, कोड इसका भी वही होगा क्योंकि एग्जांपल वही है। ठीक है, यहाँ पे कलर नेवी दिया हुआ है और इसमें ऑरेंज दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप यही समझें कि ये कोड वहाँ पे जो लिखा हुआ था वो इधर पेस्ट हो गया है, तो फिर इसके रेफरेंस से करीब ये वाला कोड बनता है, तो इसमें H1 को नेवी कलर दिया हुआ है तो वो फिर कलर यही वाला है। बाकी यानी ये चीज़ ओवरराइड हो गया है, स्किप हो गया है, और यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट है वो वैसे ही अप्लाई हुआ है। ये हम पढ़ेंगे मार्जिन्स वगैरह आगे, अभी जो है फोकस इनका यही था कि आपको ये पता लगे कि जो कोड करीब होता है उसका इफेक्ट होता है ज़्यादा। तो जैसे हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं, वेरिएबल्स में शुरू में हमने उसकी वन वैल्यू दी, एक वेरिएबल है, बाद में उसकी वैल्यू कुछ और कर दी, तो आखिरी जो वैल्यू होती है वो अप्लाई हो रही होती है, पहले वाली ओवरराइड हो जाती है। तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है कि जो आपके स्टाइल का कोड करीब लिखा होगा वो इफेक्टिव होगा, एक लिहाज से ऊपर वाला आप समझ लेंगे ओवरराइड हो जाता है नीचे वाले कोड की वजह से, लेकिन जो कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा वो कोड वैसे ही अप्लाई हो रहा है जैसे कि वो मार्जिन लेफ्ट दिया है। तो ऑर्डर की आपकी अहमियत है, तो इसमें फिर इनलाइन स्टाइल की सबसे ज़्यादा वेटेज है, फिर आपके इंटरनल जो है उसकी वेटेज है, और वरना फिर अदरवाइज आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के जो स्टाइल हर जगह डिफाइन का होता है, ब्राउज़र का अपना अपना अलग होता है, कैस्केड इनटू वर्चुअली स्टाइल, ठीक है, वो कैस्केड होके एक न्यू स्टाइल बना रहा है कंबाइन करके सबको। तो प्रायोरिटी फिर सबसे ज़्यादा आपकी इंटरनल इनलाइन की है, फिर ये इंटरनल या एक्सटर्नल, और फिर आपके जो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे हम इसके देखते हैं एग्जांपल, ये स्टाइल शीट एक इस्तेमाल की है, इसको खोलना पड़ेगा। अच्छा, इसको कोड को समझने के लिए, अच्छा पहले तो एक तो बैकग्राउंड दिया है, बॉडी को बैकग्राउंड आ गया, कलर, और यहाँ पे बॉडी को लाइट ब्लू दिया है, तो लाइट ब्लू को इसने ओवरराइड कर दिया है क्योंकि ये कोड ज़्यादा करीब बनता है, और इससे भी बल्कि ये इनलाइन, देखें ये इनलाइन होगी, हमारा जो स्टाइल एट्रीब्यूट है ये इनलाइन कहलाता है, ये इंटरनल होगी और ये एक्सटर्नल होगी, तो इसको भी फिर ओवरराइड कर दिया ये इनलाइन कलर ने इसको। बल्कि मैं यहाँ पे अगर रेड लिखता हूँ तो ये, वैसे वो कलर्स के नाम से तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो यहाँ से वो वाज़ेह तौर पे पता लग रहा है ये उसको ओवरराइड कर रहा है ये वाला कलर। तो बाकी H1 में कलर दिया है और H1 यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे नहीं दिया, तो बाकी उसकी अहमियत ही नहीं है कि वहाँ पे कौन सा कलर है, क्योंकि वो ओवरराइड नहीं हो रहा है, वो जो भी है नेवी और मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे सिखाने वाली चीज़ यही थी कि इंटरनल जो इनलाइन CSS है सबसे ज़्यादा वेटेज उसकी है, तो यहाँ पे अब देखिए ये कॉमन है ना ये चीज़, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, यहाँ पे भी बॉडी का बैकग्राउंड कलर है और यहाँ पे भी बॉडी का ही बैकग्राउंड कलर मेंशन हुआ हुआ है, तो सबसे पहला नंबर आपका जो इनलाइन स्टाइल है उसका है, फिर आपका दूसरा नंबर इनका आ जाता है इनलाइन इंटरनल है या एक्सटर्नल CSS, जो जितने करीब कोड जिसका होगा वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर ब्राउज़र के जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो चलेंगी। तो
7 तकरीबन होने लगे हैं, फिर हम इंशाल्लाह ताला ये एक्सरसाइजेज कल करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही। कोई सवाल? चलें सही है फिर। इसका मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ। ये फाइल मैंने इसलिए ऊपर बनाई थी कि ये इसमें मेंशन कर दूंगा कि हमने इस पे काम किया है। कौन सी याद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसएस इंटरनल एक्सटर्नल भी और इनलाइन। अच्छा सही है, फिर आपके लिए तो ये मतलब नई चीज़ नहीं है। लेकिन कभी कभी इसमें मतलब फंस जाता है ना, ये कैस्केड किस तरह होगी, ओवरराइड किसकी वैल्यू कौन सी वाली ओवरराइड करेगी। तो सही है जी, रिकॉर्डिंग हम बस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।